नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने ब्लड में आसानी से ग्लूकोज लेवल को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं किस तरह से हम अपने ब्लड में शुगर लेवल को चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पैकेज के साइड वाइज हमें स्पेसिफिकेशन गिवन है, कंटेंट्स गिवन है कि क्या क्या हमें मिलने वाला इस पैकेट के अंदर। साथ ही दोस्तों हम किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे इमेज के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं पैकेट को और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जब आप इसे पहली बार खरीदिएगा तो आपको कुछ इस तरह का एक छोटा सा पैकेट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही यह खत्म होगा दोस्तों, उसे आपको फिर से खरीदना है, आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हमें सबसे पहले क्विक रेफरेंस गाइड देखने को मिल जाता है और साथ ही हमें बुकलेट भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्विक रेफरेंस गाइड में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, आप किस तरह से इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं शुगर लेवल को चेक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकलेट भी हमें देखने को मिल जाता है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और हम इस छोटी सी डिब्बी को अगर हम खोलें तो आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, हमें एक डिब्बा देखने को मिलता है और साथ ही इसकी यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए हम इसे भी साइड में रखते हैं दोस्तों। और डिब्बा को अगर हम ओपन करते हैं तो दोस्तों हमें टेस्ट स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हमें ब्लड की ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप करना होता है और इसमें हमें दोस्तों 25 स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी इस डिब्बे पे। तो चलिए अब हम पैकेट को अनबॉक्स करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम डिब्बे को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें ब्लड ग्लूकोज मीटर देखने को मिलता है, लेंसिंग डिवाइस देखने को मिलता है। अगर हम ब्लड ग्लूकोज मीटर को साइड में रखते हैं, लेंसिंग डिवाइस को भी साइड में रखते हैं और नीचे पर अगर देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमें लेंसेट्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी पैकेट ओपन है क्योंकि मैंने एक बार चेक किया था। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम शुगर लेवल को ब्लड पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्लड ग्लूकोज मीटर को, इसके पीछे की और इसकी ब्रांडिंग गिवन है दोस्तों। साथ ही अगर हम इसे ओपन करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक बैटरी की सेटअप देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 3 वोल्ट की बैटरी की सेटअप। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे एक बार स्विच ऑन करके दिखाते हैं। अगर आप M दबाइएगा तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सी पे क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप पहला इंटरफेस देख पा रहे हैं यहाँ पे mg/dl। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और दोस्तों चेक करते हैं हम दूसरा डिवाइस। तो चलिए अब हम लेंसिंग डिवाइस को ओपन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर घुमाइएगा तो लेंसिंग डिवाइस इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जब आप लेंसेट को इस पर लगा दीजिएगा और पीछे की ओर इस तरह से खींचिएगा, उसके बाद बटन को प्रेस करिएगा तो आपके फिंगर पे पंचर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम एक लेंसेट को लगा के आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक लेंसेट को बाहर निकाल लिया, अब हमें लेंसिंग डिवाइस पे इसे फिट करना है। तो आपको इस तरह से घुमा के इसे पुल कर देना है दोस्तों, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही नुकीला है दोस्तों, ये लेंसेट है और हमें इस पे लेंसिंग डिवाइस पे इसे लगाना है। तो आपको सिंपली इस तरह से इसे पुश कर देना है, तो यहाँ पे आपकी जो है लेंसेट लग जाएगी दोस्तों। इसके बाद आप इसे कैप को लगा दे घुमा के दोस्तों। आप चाहे तो इसकी नंबर्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने मुताबिक। जी हाँ दोस्तों, इसे घुमा के आप इसकी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे पीछे की ओर खींचना है, उसके बाद बटन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिप्स को एक बाहर निकाल लेते हैं और मीटर पे हम लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज मीटर है, उस पर हमें स्ट्रिप को इंसर्ट कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने एक स्ट्रिप्स को बाहर निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों हमें ग्लूकोज मीटर पे स्ट्रिप्स को इंसर्ट कर देना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एरो ऊपर की साइड रहेगा और आपको इंसर्ट कर देना है ग्लूकोज मीटर पे ये स्ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आप रेफरेंस गाइड को एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्ट्रिप्स को एक बार इंसर्ट कर देता हूँ दोस्तों। इस तरह से पूरा इंसर्ट कर दें हल्का सा। जी हाँ दोस्तों, इंसर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया। और आपकी जो ड्रॉपलेट्स है, जी हाँ दोस्तों, ब्लड की जो ड्रॉपलेट है यहाँ पे आपको दिखा रही होगी साइन। तो अब ब्लड की ड्रॉपलेट को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो चलिए हम लेंसेट की मदद से हम अपने फिंगर पे पंचर करते हैं। तो दोस्तों आपको रिंग फिंगर पंचर करना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस फिंगर पे पंचर किया, तो दोस्तों आपको
सेकेंड लास्ट वाले फिंगर पे पंचर करना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम ड्रॉपलेट्स को ड्रॉप करते हैं। इसकी ऊपर की साइड आपको ड्रॉप करना है दोस्तों, तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसकी ऊपर की साइड आप ड्रॉप कर दें, ऑटोमेटिक टाइमर ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी जो ब्लड की शुगर लेवल है दोस्तों वो 80 mg/dL है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह 70 से लेकर के 140 mg/dL के बीच में है तो यह ठीक है दोस्तों, मैं फास्टिंग में हूँ इसीलिए 80 mg/dL दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप चेक करने के बाद दोस्तों इसकी जो लैंसेट और स्ट्रिप है वो अच्छी जगह पे फेंके, तो चलिए मैं बताता हूँ आप किस तरह से इसे ओपन करके आप इसे फेंक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप इसे ओपन कर दें दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेंसिंग डिवाइस को रोटेट करके ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेंसेट को ऊपर की ओर खींचना है और सबसे पहले आपने जो कैप हटाया था इसके ऊपर से, उसे आपको फिर से अच्छी तरह से इंसर्ट कर देना है। दोस्तों आप एक लेंसेट को एक ही आदमी पे 4-5 बार यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों जब तक आपका 10 लेंसेट ख़त्म ना हो जाए उसे आप एक जगह पे रखें, उसके बाद आप कहीं पे डिस्ट्रॉय कर दें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।